नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोबारा अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी लगने वाले हैं, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली इस चैनल पर आपके लिए रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ विद इंक्लूडिंग जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए लाई जाती है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी भाई हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी या और भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, निश्चित ही ये आपके बहुत काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए चलते हैं रीजनिंग की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा मिशन है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग के अंदर एक जैसे अभी सीरीज़, एक रीजनिंग का एक टाइप होता है सीरीज़, और उसके लिए आप लोग को ए बी सी डी जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिक जो टोटल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है 1 से लेके 26 तक, जिसमें ए से लेके जेड होते हैं, उनको अगर आप हो सके तो आप उसको पूरा याद कर लीजिए। जो भी भाई अगर उसको पूरी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, दो तरीके से, उसका क्या तरीका है आपका, एक आप ए से लेके जेड तक और फिर वापसी, वापसी जो फिर जेड से लेके ए तक, वो किस नंबर पर आती है, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। वापस आप उल्टा ए से लेके फिर जेड तक चलेंगे तो ये भी 26 हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एन आपका 14वें नंबर पर आता है, आपका टी 20वें नंबर पर आता है, और रिवर्स सीरीज में टी के सामने जी आता है, टी के सामने जी आएगा जो कि 20 नंबर पे आएगा। तो अगर आप इस सीरीज़ को या इस टेबल को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो इनको याद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप कोई भी, आपको परेशान या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करिए, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहले जैसे आपका रीजनिंग का पेपर स्टार्ट होता है तो ये आप ऊपर से स्टार्ट कर लीजिए। आप बस केवल 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट में ए से लेके जेड तक लिखिए, वापस रिवर्स ए से लेके जेड तक लिखिए, और उसके नीचे उसके नंबर्स डाल दीजिए 1 से लेके 26 तक। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, जो भी आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज से आके क्वेश्चंस आएंगे तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, अरे ये कौन सी जगह पे आता है, ये कौन सी जगह पे आता है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा भी टाइप की एक टेबल आपकी बन जाएगी, आप देखेंगे ओहो अब ये एच आ गया तो एच 8वें नंबर पर आता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, इसके लिए ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन में आपको आपके टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको टोटल 90 क्वेश्चंस, 90 मिनट मिलेंगे सॉरी, और आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको टेबल पूरी तरीके से तैयार हो। इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा करते हैं कि बॉडमास रूल आता है, इस अगर रीजनिंग आप करते हैं तो उसके लिए बॉडमास रूल, जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, टी से डिवीज़न या फिर भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्स्ट्रैक्शन, ये पता होना चाहिए। मतलब इसका सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ आई होप कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं सबको ये पता होगा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं रीजनिंग खास तौर से ये चीज़ आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको दिए जाएंगे आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा सिंबल किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। अगर आपने पहले जोड़ दिया, बाद में गुणा किया या बाद में घटा दिया, तो उससे फिर आपके जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रूल ये पता हो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी रीजनिंग। सबसे पहला जो है क्वेश्चन है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। देखिए आपके ऑप्शन है मुद्रक, संपादक, पाठक, प्रकाशक। थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, यानी जिस हिसाब से जहाज कप्तान जो होता है वो जहाज को हैंडल करता है, उसी हिसाब से ये जो अखबार होता है अखबार को कौन करता है, मुद्रक, संपादक, पाठक या प्रकाशक। पाठक तो देखिए पढ़ता है, इसका आंसर सही होगा प्रकाशक। इसका जो आंसर होगा वो होगा संपादक। जो संपादक होता है वो अखबार को
जो एडिटोरियल जो मेन जो उसका एडिटर होता है वो अखबार में एडिट करता है, जो मेन आदमी होता है, और वैसे ही जैसे जहाज होता है वो कप्तान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोशाक दर्जी जिस हिसाब से जो पोशाक है वो दर्जी से संबंधित है, वैसे ही जो बढ़ई है बढ़ई से क्या संबंधित है? आपके ऑप्शन है लकड़ी, कपड़ा, फर्नीचर और चमड़ा। तो सिंपल सा है, बढ़ई से फर्नीचर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षरों ए सी ई आर में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। अक्षरों ए सी ई आर यानी आपको चार वर्ड्स दिए हुए हैं, ए सी ई आर, इनमें से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट मिली आपसे, जब आप अपना मैथ का या फिर जब रीजनिंग का आप वीडियो देखें और इसको हल करें, तो डेफिनेटली आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे हो सकता है हमारे कई भाई उसको ऐसे ही मुझवानी जो काफ़ी फास्ट है, जिनका आईक्यू बहुत तेज़ है, वो कर सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फिर यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन बताने या उसका आंसर बताने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपका काम होता है कि आप उसको उस समय पर करें, सॉल्व करें, तब उसको जो एक बेस्ट आउटपुट तभी मिलेगा आपको। जैसे इसको आप करेंगे तो इसमें से इसका आंसर आएगा आपका 3। इससे इन जो चार अक्षरों से, क्योंकि इनमें से हर एक जो भी सारे अक्षर हैं उनको दोबारा से हमको रिपीट नहीं करना है, तो इनसे हमारे 3 बनेंगे। जब आप कॉपी किताब लेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा बहुत बेटर तरीके से, जैसे ए सी ई आर से क्या बन जाएगा। आप एक बार बना सकते हैं आर ए सी ई रेस, है ना, इस प्रकार से इसके 3 अब बनेंगे। तो प्लीज़ अगर आप कॉपी किताब लेके बैठेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इनमें से जो ये चार क्वेश्चन आपके दिए हैं, इनमें से असंगत को ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीजनिंग एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखिए, अगस्त, अप्रैल, सितंबर, जून, इसमें जो इसमें से एक भिन्न है, बाकी सब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो ज़रा आप थोड़ा सा गौर लगा के देखेंगे, जो ये अगस्त, अप्रैल, सितंबर, जून है, इसमें जो अगस्त है उसमें 31 डेज होते हैं मंथ में, बाकी जून, सितंबर, अप्रैल इनके महीने में 30 दिन होते हैं। अगस्त में केवल 31 दिन होते हैं, बाकी सब में 30 दिन होते हैं, इसलिए जो ये आपका अगस्त है वो अलग है इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए हुए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। साइकोलॉजी, मानव, ऑर्नाथोलॉजी। जैसे जो मानव है, जो साइकोलॉजी है, जो आपको पता है साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है, वैसे जो ऑर्निथोलॉजी है उसमें पक्षी, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, ज्वालामुखी, किसका अध्ययन किया जाता है? जरा ध्यान से देखिए इसमें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों से जो अध्ययन से संबंधित है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। इनमें से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म चुनिए। देखिए, RSTUJKLMNOPQ VWXZ, ध्यान से देखिए आप। आंसर बहुत सिंपल है और बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली वैसे वैसे आप क्रैक करने में धीरे धीरे आपको, मतलब कि जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे ना, ये सब टोटल आपका डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप तुरंत देखते ही रीजनिंग को आंसर निकालोगे। जैसे देखिए इसमें RSTU, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, जो लगातार है कॉन्टिन्यूस है, RSTUJKLMNOPQ, लेकिन VWX के बाद Y आएगा। यहाँ पर एक जो डिजिट गायब कर दिया है, VWX के बाद Y गायब कर दिया, Z, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, VWXZ, ये इसमें डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई है, ए का भाई एक्स है, बताइए वाई का बी से क्या रिश्ता है? थोड़ा आप गौर करके सोचिए। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, यानी ये पति पत्नी आपस में हुए, एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब ए का भाई एक्स है, जो एक्स और वाई भाई हो गए, जो ए का भाई एक्स है, यानी जो विवाहित जोड़े में से ए या बी में से या तो ए पति है या फिर ए पत्नी है, दोनों में से ये कन्फर्म नहीं किया गया कि ए बी में से कौन पति पत्नी है, तो ए बी में ए और बी में से दोनों ही में से ही कोई एक पति कोई पत्नी है। अब उनमें से अगर ए बी का भाई है तो वाई का बी से क्या रिलेशन है, आप बताइए। अगर ये आए तो फिर ये आपका साला हो जाएगा या फिर देवर हो जाएगा, या फिर साला या फिर देवर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, अगर
ए को आप मेल मान लिए तो फिर साला हो जाएगा, ए को आप फीमेल मान लिए तो फिर वो देवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या हूँ बताइए। अब देखिए, राहुल मेरे पिता की पोती का पति बहुत सिंपल है। राहुल मेरे पिता की पोती क्या हुई, यानी मेरी लड़की। ऑब्वियस सी बात है, राहुल मेरे पिता यानी मेरे पिता की पोती क्या हुई, बेटे की बेटी का पति है। तो अगर मेरी बेटी का पति क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है ससुर हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, ससुर। बस ये थोड़ा सा फ्रेंड्स समझने की बात होती है, कैसे आप इसको समझते हो। थोड़ा सा अगर आप रिलेशन वाले भी ना इनको, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता है, मैं समझता हूँ कई जो हमारे दोस्त होते हैं वो ये बोलते रहते हैं कि नहीं हमको रिलेशन समझ नहीं आता है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, आप रिलेशन को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लो। जो भी आपको बताया गया ना, आप रिलेशन को अपने ऊपर अडॉप्ट कर लो। आप ये सोचिए सिंपल, राहुल मैं हूँ, मेरे पिता की पोती यानी मेरे जो फादर की पोती क्या हुई, मेरी लड़की, ठीक है। और उसका जो हस्बैंड क्या होगा, मेरा दामाद हो गया, और मैं उसका क्या हो गया, ससुर हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा इजी वे में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनिए। 147 क्या है, 741। अब जरा ध्यान से देखिए, रीजनिंग और मैथ में डिफरेंस ये होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगाना आपको, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगाना। इसमें क्या करना है, 147 को उल्टा कर दीजिए आप, 7 पहले ले आई फिर 4 फिर 1, इसमें क्या करेंगे, 9869 को क्या करेंगे, 9 6 और 8, इसका आपका आंसर हो जाएगा 9 6। और तो इसलिए इसमें मैंने बताया ना आपको, इसमें कुछ ज़्यादा अगर आप मैथ का कैलकुलेशन इसमें लगाएंगे ना तो डेफिनेटली काफ़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। आप थोड़ा देखिए कि 147 लिखा है उसको क्या किया, ओह 147 को उल्टा कर दिया मैंने, तो इसका मतलब 869 को करेंगे तो 968 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो वही है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, तो उनको आप इजी से सॉल्व करने के कैपेबल हो जाओगे। बट सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल जैसे संबंधित है मध्य प्रदेश से, वैसे भुवनेश्वर। अभी आप देखिए क्या है इसमें दिखाया गया आपको, आपके ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल, तो उसी हिसाब से भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, सिंपल सी बात है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। थोड़ा जरा ध्यान से देखें, इसमें से क्या दिया हुआ, ओ आर जी एन, ऑर्गन, ऑरिजिन। जब आप ये डिक्शनरी से देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे ओ है, फिर आपको ये तो पता होगा ना डिक्शनरी से किस हिसाब से इनको शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है कैसे लगाते हैं। ओ आर सबसे पहले आप देखिए, ओ आर जी, फिर ये जी आया, जी की बाद में जो सेकेंड नंबर ऑप्शन में आई है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में आई है, तो जी आता है पहले या आई आता है, थोड़ा ध्यान सोचिए, पहले जी पहले आता है, तो इसका मतलब ओ आर आई वाला है, ये बाद में चला जाएगा। तो ऐसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 1 4। देखिए जरा, आप जरा सी ऑप्शन को देखिए, 1 पहले आएगा आपका ऑर्गन, फिर नंबर पर आएगा 4 ऑर्गेनिक, ओ आर जी ए एन आई सी, फिर उसके बाद आपका 5वें नंबर पर ऑर्गेनाइज, ओ आर जी ए एन आई एस जी ऑर्गेनाइज, फिर थर्ड नंबर पर ऑरियंट आ जाएगा आपका, और फिर उसके 2 नंबर पर ओरिजिन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 14532, इस सीरीज में आपका, इस पैटर्न में आपका लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो डिफरेंट चुनिए, बेमेल का मतलब होता है डिफरेंट चुनिए, तो डिफरेंट आपका हो जाएगा कि कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। थोड़ा आप गौर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए आप, थोड़ा सा आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, फ्रांस, सारे ये, अब इसमें से क्या है कि पेरिस क्या है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, लंदन क्या है, लंदन यूके की कैपिटल है, न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क एक अमेरिका का सिटी है, और कैनबरा क्या है, कैनबरा कैपिटल है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, इसका जो सही आंसर न्यूयॉर्क है, वैसे पहले आप आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटोरी है, जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटोरी है, उसकी जो कैपिटल है उसे कैनबरा बोलते हैं। जो दिखा वो आपके सामने टेबल आई है तो उसमें देखिए, उसकी कैपिटल कैनबरा है, और जो उसकी पॉपुलेशन है 4,03,468 है, और न्यू साउथ वेल्स उसकी कैपिटल सिडनी है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी है उसकी कैपिटल है जो कैनबरा है।
और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। तो ये तीनों यहाँ पर कैनबरा, लंदन और पेरिस कैपिटल दिए हुए हैं। न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका का, तो इसलिए डिफरेंट हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अक्षरों की कौन सी समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करती है, ये आप जब करेंगे तो थोड़ा सा जो गौर करके देखिए आप, तो इसमें से जब आप रखोगे, जो आप इसको देखिए, पहले आप लिखिए टी एस, जब इस प्रकार इसको करके आप लिख के देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टी एस टी 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 आर ट्रिपल टी आर। जो आपका डी आंसर है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा टी एस ट्रिपल टी आर। जब इसको फिट करोगे आप उसके अंदर सब चीज़ों को लिख के देखिए तो ये प्रॉपर श्रृंखला आपकी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए जो भी दी हुई है आपकी 43, 172, 86, 344। थोड़ा सा ज़रा गौर लगा के देखिए आंसर आपके सामने है कैसे। देखिए इसमें से दो श्रृंखलाएं चल रही हैं, इनमें से आपकी जो दो श्रृंखलाएं चल रही हैं कौन कौन सी चल रही हैं, एक आपकी ये चल रही है 43, 186 यानी 43 × 2 86, और एक ये श्रृंखला चल रही है आपकी 72 × 2 344। तो 86 का दूसरा जो आप दो का इसमें गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा आपका 170, इसका आंसर आ जाएगा 172। सिंपल सी बात है, इस हिसाब से आप इसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब फिर रिलेशन से संबंधित एक सवाल आ गया आपके पास में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी का बहन, ए बी की बहन है, बी की साड़ी डी से हुई है, डी और बी की पुत्री जी है, तो जी का ए से क्या संबंध है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान लगाएं आप, ए बी की बहन है, ठीक है, मान लीजिए आपकी एक बहन है, लेट कंसिडर इसी को इस हिसाब से करते हैं, आपकी कोई बहन है और जो आपकी बहन की शादी जिसके साथ हुई है, ठीक है, बहन की शादी किसी के साथ हो गई, ठीक है, तो बी और डी की पुत्री जी है, तो आपकी बहन की जो बहन की जो पुत्री हो गई उसका आप क्या संबंध होगा। अब ये बताइए आप, जो पुत्री जी है उसका आपसे क्या संबंध होगा। अब सिंपल सी बात है, वो आपकी भतीजी हुई, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे बहुत सिंपल सा, वो आपकी क्या हो जाएगी, भतीजी, ठीक है, क्योंकि जो आपकी सिस्टर है, सिस्टर की जो आपकी पुत्री है वो क्या होगी, आपकी भतीजी होगी, क्योंकि ए और बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है, ठीक है, बी की शादी डी से हुई है, तो उसके बाद में और बी और डी की पुत्री जी है तो जी का है, यानी ए बी की बहन है, ए फीमेल है और बी मेल है, ठीक है, या फीमेल कुछ भी हो सकता है अभी कंफर्म नहीं है, और उसके बाद में जब बी की डी से शादी हुई है और बी और डी की पुत्री जी है, ठीक है, तो जी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, वो भतीजी हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह है अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है, यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका आंसर आपका निकालेंगे तो 24 निकलेगा, कैसे निकलेगा आंसर, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। मान लीजिए हम अरुण, यहाँ पर अरुण विवेक से जितना छोटा, अरुण की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी अरुण की जगह अनिल कर लीजिए, जो ये दिया हुआ है, अनिल की आयु हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ओके, अनिल की एक्स वाई हम मान लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अनिल की आयु एक्स मान लेते हैं, तो तरुण से क्या बोला गया, तरुण जो अनिल है विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है, मान लीजिए कि वाई ईयर छोटा है, ठीक है, तो ये तरुण से उतना ही बड़ा है जितना उससे छोटा है, तो उसमें वाई घटा देंगे और इसमें तरुण में एक्स जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर अरुण की जो अनिल की आयु एक्स मान लेते हैं हम, तो वो विवेक से जितना ही छोटा है, मानो विवेक से एक्स साल छोटा है, तो वो तरुण से उतना बड़ा हो जाएगा, तो एक्स साल उससे घटा के इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें से क्या बोला है कि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों जो आयु आप निकली है ऊपर नीचे की, उनमें जोड़ के उनको 48 कर देंगे, 2x = 48, x = 24, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, 24 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वह शब्द चुनिए जो दिए हुए सबके अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी जो क्रोनोलॉजिकल लिखा है आपके सामने उनमें से जो नीचे दिए हुए वर्ड हैं उनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो आप देखिए जो फर्स्ट वाला वर्ड है CALICO, ये आराम से बन जाएगा CA, इसके बाद CALL, ये भी आराम से बन जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा लॉजिक LOGIC, ये भी सिंपल सा बन जाएगा आपका लॉजिक, लेकिन एक जो एनालॉजी है ANALOGY, ANALOGY, ये एनालॉजी आपका नहीं बन पाएगा, इससे थोड़ा आप ध्यान करके देखेंगे तो एनालॉजी आपका
इससे नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें वाई वर्ड कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कॉर करके, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉजी। बस ये वैसे लगते तो इसको देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको हल तो कोई भी कर लेगा, हल कोई भी कर लेगा, लेकिन कितना फास्ट आप कर सकते हो वही बताया ना करके। यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, आप उतना ही कितनी जल्दी आप इसको कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हल। इसको अगर टाइम दिया जाए, अगर टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा NTPC का इसमें, या ग्रुप डी या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, अगर किसी में टाइम की कोई बाउंडेशन है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग पेपर ब्रेक कर लेंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये इशू क्या है कि टाइम का है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, आपका IQ भी तेज़ होना चाहिए, और आपके पास में इतना ज़्यादा आपको फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए या फिर स्क्रीन में देखते ही आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपका टाइम कम से कम लगे। यहाँ इंपॉर्टेंस उसकी है। ये सारे वर्ड आप देखोगे तो हो सकता है कि अगर आप बहुत शुरुआत में इसमें क्या है, जैसे CALICO है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि आप पूरा वर्ड देखिए, उसमें से वर्ड को फिट करते जाइए। CALICO आप देखिए, सी फर्स्ट से होकर, ठीक है ठीक है, इस टाइप से ऐसे आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो वो एक आप अपनी टैक्टिस खुद डेवलप कर लीजिए कि किस हिसाब से मुझे क्वेश्चन को हल करना है, वैसे आप करेंगे तो जल्दी से आप उसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बैंक मुद्रा से उसी तरीके संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध है। देखिए, बैंक में जो मुद्रा होती है वो बैंक में चलती है, और उसी हिसाब से जो माल है वो, जो परिवहन का संबंध है वो माल से है, ये जो गुड्स होता है ना करके, जो ढुलाई करते हैं उससे होता है, ठीक है इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला है, हाउस को FQSUC लिखा जाता है एक सर्टन कोड के अंदर, तो उसी कोड लैंग्वेज में चेयर को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था ना, वो लिख लीजिए आप। जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो वैसे ही क्या होगा, आपका जो एक टेबल नीचे खोल लीजिए आप, ABC जो मैंने आपको टेबल बताई थी, आप ज़रा गौर से देखेंगे, HOUSE यानी पहला वर्ड एच है और एफ है, यानी आप इसमें से करेंगे तो एक सीरीज़ क्या है, -2 की बन रही है। देखिए एच और एफ है, यानी एच से -2 पहले एफ आ जाएगा आपका, देखिए, और उसके बाद जब ओ और क्यू में देखेंगे तो +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी सीरीज बन जाएगी, -2 +2 -2 +2, यानी जो उसके यू और एस में क्या डिफरेंस, जो क्या रिलेशन है, ये -2 हो जाएगा, और उसके बाद एस और यू में नेक्स्ट में क्या रिलेशन है, ये +2 हो जाएगा। तो -2 +2 करेंगे तो वैसे चेयर को क्या करेंगे, चेयर में फर्स्ट में -2 करिए तो आ जाएगा ए, उसके बाद एच में +2 करिए, HIJAJYKP, इस प्रकार से आप करेंगे तो ये सीरीज आपकी, जैसे टेबल आप लिख लेंगे तो वैसे बहुत ईजी से आप हल कर लेंगे उसको, कि देखेंगे आपको तुरंत रिलेशन समझ में आ जाएगा क्या है। ये -2 +2 -2 +2 की सीरीज चल रही है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा इसको देख के, जो सीरीज आपकी बन रही है ना, वो सीरीज आपकी बन रही है -2 +2 -2 +2, तो आपका आंसर आ जाएगा AJYK और P, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं, यह है, अगर 4 + 3 = 25, 8 + 4 = 80 हो तो 3 + 2 = थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसको, अगर 4 + 3 = 25 है तो क्या रिलेशन इसमें है, थोड़ा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 × 16 3 × 9 और 16 × 9 = 25 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और 4 × 16 = 80 हो जाएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 3 × 9 2 × 4 और 9 × 4 क्या हो जाएगा, 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ये एक आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से 2 वाक्य दिए गए हैं। देखिए कथन निष्कर्ष में क्या होता है ना, कि जो भी आपको कथन बताया गया, चाहे वो आपको ठीक लगता हो या नहीं, जनरल जो आपका जो नेचुरल जो चीज़ें होती है उसमें आपको भले गलत बताया गया, लेकिन जो बोल रहा कथन में वो चीज़ आपको बिल्कुल सही माननी है। तो पहला कथन क्या होता है कि परीक्षा में फेल होने के कारण अनियमितता है, ठीक है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं, यानी परीक्षा में जो फेल होने का कारण अनियमितता है, कुछ नियमित विद्यार्थी भी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल नहीं। क्या है, परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, ये बोला है कि सभी विद्यार्थी नियमित फेल होते हैं, बिल्कुल नहीं कहा गया है, तो पहले बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा गया है, कि कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सभी जो सफल होने वाले विद्यार्थी हैं वो नियमित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो इसमें ना तो एक ही और ना ही दो इस निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका आंसर आ जाएगा ना तो एक ना ही दो नंबर निष्कर्ष सही है।
चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं। जो सीरीज़ आपकी हुई, आपके सामने आई हुई है, उस सीरीज़ को देखते हैं कि 1, 5, 14, 30, 55 और 91। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, थोड़ा आप गौर करेंगे इस सीरीज़ को, थोड़ा सा गौर करिए। पहले 1 और 5 में क्या है, 4 का डिफरेंस है तकरीबन, ठीक है। 5 और 14 में किसका डिफरेंस है, अगर 5 और 14 में डिफरेंस करते हैं तो हो जाएगा 9 का, ठीक है। 9, 5, 14, और 14 और 30 में डिफरेंस आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। थोड़ा सा अगर आप इसको गौर करोगे तो इसका मतलब पहले में 4 का डिफरेंस, फिर 9 का, फिर 16 का, यानी अगर आप इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए कैसे ब्रेकअप इसका किया है। जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, फिर उसके बाद 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है। देखिए मैं इसको आपका आंसर पहले बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 140। कैसे आया ये 140, थोड़ा सा गौर करिए। 1 + 4 = 5 हो जाएगा। अब ये 5 + 9 = 14 हो जाएगा, 14 + 16 = 30 हो जाएगा, 30 + 25 = 55 हो जाएगा, 55 + 36 = 91 हो जाएगा। यानी जो ये देखिए जो बीच में जोड़ा जा रहा है, ये 4, 9, 16, ये किसका वर्ग है, 4 है 2 का स्क्वायर है, 3 है 9 है 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का, यानी इस बढ़ता चला जा रहा है स्क्वायर रूप में। तो 91 में 36 के बाद क्या है, 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140। देखिए आप थोड़ा सा जब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप तोड़ पाओगे, मेरे कहने का जो मतलब है वो समझिए। आप क्वेश्चन के पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन के टाइप देख लीजिए कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन पता लगेंगे, उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज तक के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको दोस्तों वीडियो देख के लगता है कि हाँ ठीक है रियली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद था, जो भी मैंने आपको मेहनत की वो मेरी मेहनत सही थी, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद उसमें बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी आपके पास में मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अभी रीजनिंग है आपको, आपको मैथ की भी मिलेगी, आपको जीके की मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी, जो भी नई वीडियो आपको मिलेंगी वो टाइम टू टाइम आपके पास अपडेट होती रहें। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।